बजे की घटना है। वर्कर यहाँ काम कर रहे थे अंदर, एक ये गोडाउन है, गोडाउन में स्क्रैप का गोडाउन है, इसमें केमिकल कपड़ा या कागज गत्ता प्लास्टिक इस तरह के सारे आइटम आते हैं इस गोडाउन में। आने के बाद इसमें छटाई का काम चल रहा था, तो इस बीच क्या हुआ कि इसमें थोड़ी सी आग जली तो सबको फटाफट बाहर किया गया। जब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो सबको बाहर किया गया। बाहर किया तो इतने में फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड आई तो तब से आग ने, जब तक फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड को आने में 15 से 20 मिनट लगे। उस बीच में इस आग ने बड़ा विकराल रूप ले लिया, इतना विकराल रूप ले लिया कि अभी कंट्रोल होने में थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे पुलिस विभाग और फायर विभाग, इन दोनों का मैं धन्यवाद करूँगा, बड़े सही टाइम पर बड़े जल्दी से आ गए। ये जैसे ही सूचना मिली तुरंत पहुँच गया। हमारे कोतवाल साहब मनोहर दशोनी जी शुरू से यहाँ पर हैं, शुरू से यहाँ पहुँचे हुए हैं और इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई जनहानि की संभावना नहीं है। जनहानि जो वर्कर थे सब बाहर निकल चुके थे, और कितने का नुकसान है ये तो आग बुझने के बाद पता लग पाएगा, लाखों का है या करोड़ों का है ये बाद में पता लग पाएगा। आसपास भी गोदाम और बने हुए हैं, अभी कंट्रोल यही किया जा रहा है कि आग फैले ना और इन गोडाउन्स को, जो आसपास के गोडाउन हैं उनको बचा लिया जाए, उसी में प्रयास कर रहे हैं। और सब फैक्ट्रियों में, बजाज हो गया, अशोका लीलैंड हो गया, सब फैक्ट्रियों में फ़ोन कर दिया। उनकी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वो भी मंगाई गई हैं, लगभग 8-9 गाड़ियाँ इस समय यहाँ काम कर रही हैं। और पानी भी इनमें ख़त्म हो जा रहा है, तो हमारे भूरा रानी में ही 2 हाइडेंट हैं, वहीं से पानी लिया जा रहा है और जल्दी जल्दी, मतलब मेरे को लग रहा है कि आधे घंटे में कंट्रोल कर लिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।